तो अभी तक दो पैराग्राफ डिस्कस कर लिया था हमने, तो ये तीसरा पैराग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर 500 वर्ड का भी पैराग्राफ लाइए, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये गो थ्रू करा रहा हूँ, आपको 500 पैराग्राफ नंबर के पैराग्राफ जो वर्ड्स के पैराग्राफ हैं आपको खुद से करना होगा, कहीं भी न्यूज़पेपर से, कहीं मैगजीन से, जो मैंने आपको सोर्सेज बता रखे हैं, ये बस मैं आपको गो थ्रू करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ट्रांसलेशन टाइम पे। अब सबसे पहले जब अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, जो आपको सबसे पहले अपने कॉपी में नोट करना है, वो है अनिश्चितताओं, अनिश्चितता। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। इट इज डिफिकल्ट टू से अबाउट फ्यूचर एज व्हाट वी थिंक इज नॉट नेसेसरली गोइंग टू हैपन। कल के बारे में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए आपको तैयार रहना है। एक लाइफ लेसन भी दे रहा है आपको। बट इट डजंट मीन दैट वी लीव पुटिंग एफर्ट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एफर्ट्स मतलब कि प्रयास करना छोड़ देना है, पर इसका यह अर्थ भी नहीं है। तो आपको देखिए, मतलब मीन मतलब भी होता है, लेकिन अगर आप सही वर्ड यूज करें तो यहाँ पर होगा अर्थ, पर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। आपको अपने वर्ड्स को चूज करना होगा कि किस वर्ड्स को आपको पुट करना है वहां पे, समझ रहे हैं। समवन हैज सेड, किसी ने कहा कि वट एवर वी एक्सपेक्ट वी ऑफन अचीव लेबर लेसर। किसी ने कहा है कि जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं हम उससे कम ही अचीव करते हैं। इफ इट इज ट्रू व्हाई डोंट वी एम एट मोर देन व्हाट वी ड्रीम। सो अगर ये सही बात है तो हम ज्यादा के लिए क्यों नहीं एम करते हैं, क्यों नहीं। अब एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। जब यही सही बात है, जब ऐसा होता है तो हम क्यों नहीं अपना लक्ष्य को बड़ा रखते हैं, ताकि हम जितना चाहते उतना मिल जाए। नो मैटर व्हाट फॉर्च्यून हैज फॉर अस, हमें भविष्य में चाहे जो हो, नो मैटर व्हाट फॉर्च्यून हैज फॉर अस भविष्य में। अब देखिए इसमें फ्यूचर का वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको भविष्य के बारे में बात की जा रही है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है। नो मैटर व्हाट फॉर्च्यून हैज फॉर अस, भविष्य में चाहे जो हो, एफर्ट्स मस्ट रिमेन बिलो द मार्क, प्रयास कभी कम नहीं रहने चाहिए, प्रयास कभी कम नहीं रह जाए। एफर्ट्स मस्ट रिमेन बिलो द मार्क, प्रयास कभी कम नहीं रह जाए, ठीक है। तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपने वर्ड्स को डिसाइड करना होगा कि आपको क्या वर्ड्स की मीनिंग क्या हिंदी में लिखनी है, और ऐसे ऐसे जो अनसर्टेनिटी जैसे वर्ड्स हैं, एफर्ट्स जैसे वर्ड्स हैं, अचीव्स जैसे वर्ड्स हैं, एम जैसे वर्ड्स, इन सब का आपको प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए, ताकि आप अपने उसमें लिख सकें।